गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने को लेकर कहा कि कांग्रेस एक डूबते जहाज की तरह है जिसमें कोई सवारी करना नहीं चाहता। गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सांसद साध्वी प्रज्ञा के लापता के पोस्टर लगाए जाने को लेकर कहा कि जिन लोगों ने पोस्टर लगाए हैं उनको जल्द वे मिल जाएंगी। कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है जिसमें कोई भी सवारी नहीं करना चाहता। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी को अपने परिवार का सदस्य बताया। ये जो भी तथाकथित लोग हैं ये अलग अलग लगा रहे हैं, लोग दौड़ के जा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। आने जाने पे आपको भी मालूम है कि रोक लगाया हुआ है, अब जी खुल रहा है, धीरे धीरे आ जाएंगे एक दो दिन में। फिर से काहे को, वो तो लगातार धार बनी हुई है, धार टूटी थोड़ी है उसकी। आपको अब दिखा ये अलग बात है, और डूबते जहाज में कौन बैठेगा कि हम नियंत्रण में करेंगे कोरोना को। अब कल हमारे 192 नए केस आए हैं और डिस्चार्ज हुए हैं 219। एक बड़ा गैप आप देख रहे होंगे डिस्चार्ज का और नए केस आने का। इस नए केस में भी अगर हम इंदौर को माइनस करते हैं अकेले को, तो फिर ये 100 के नीचे गिरेगा, ये स्थिति हो गई। आज देश के अंदर हमारी रिकवरी रेट बढ़कर 56% हो गई। देश की रिकवरी रेट 43 है और मध्य प्रदेश की रिकवरी रेट 56 है। एक्टिव केस अब केवल 40% है और डबलिंग जिसे कहते हैं ना, डबलिंग भी आप जिस तरह से देखेंगे हमारी बढ़ती जा रही है, अब 27 दिन की हो गई है। पहले मैंने 24 बताई, 26 बताई, अब 27 बता रहा हूं। डबलिंग भी हमारी बढ़कर 27 हो गई है। अब कोरोना के मरीज मध्य प्रदेश में 3042 रनिंग हैं वर्तमान। बड़ी संख्या में मजदूर 5 लाख 5.5 लाख के आसपास मजदूर हमारे मध्य प्रदेश में आ गए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर कहा कि देश में हमारी रिकवरी रेट 56% हो गई है। प्रदेश में 192 नए केस आए हैं और 219 ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में 3042 एक्टिव केस हैं और अब तक 4279 ठीक हो चुके हैं। मजदूर लगातार वापस आ रहे हैं। जावद में स्थिति नियंत्रण में है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।